Class 4. Today I will teach you about the chapter food for plants and animals. यानी कि animal and plants का food या फिर animal and plants के लिए भोजन. ये आपका है chapter number 1. In this chapter we will learn about the food habits of different types of animals and plants. या कह सकते हैं इस chapter में हम पढ़ेंगे जो animals and plants होते हैं वो क्या खाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है. उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. यस, देखिए विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो. ऑल ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन फूड. या ये कह सकते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर देयर सर्वाइवल, है ना. और ये फूड आता कहाँ से है? ये आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से. सिमिलरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑन अर्थ और डिपेंड ऑन द फूड फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, अब पढ़ते हैं, हम जानते हैं व्हाट डू प्लांट ईट. प्लांट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, है ना. देखिए इस अर्थ पे ओनली लिविंग थिंग्स में ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. यानी कि ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस अर्थ पर जो लिविंग थिंग्स हैं जिनमें ग्रीन प्लांट्स ओनली लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. और अगर बात करें ह्यूमन बीइंग्स की या एनिमल्स की, ये दोनों ही अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. ये डिपेंड होते हैं अदर एनिमल्स पर या फिर अदर प्लांट पर. और ह्यूमन तो टोटली डिपेंड ऑन फूड फॉर देयर सर्वाइवल ओनली ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने पढ़ा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो होती है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. अब देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम के हिसाब से हम आपको इसे चैप्टर समझाने की कोशिश करते हैं, या इस चैप्टर में ये जो आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दी हुई है हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, इस टॉपिक को. देखिए ये कोई प्लांट है, ठीक है. इस प्लांट में ये लीव्स बनी हुई है. अब प्लांट जो है अपना फूड कैसे बनाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोमेटा. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टिनी ओपनिंग्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. देखिए किसी भी प्लांट में जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं लाइक टिनी ओपनिंग्स. ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं स्टोमेटा, ठीक है. और क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट है टू ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. जो ग्रीन पिगमेंट होता है यानी कि जिस भी वजह से लीफ आपको ग्रीन दिखाई देती है वो आपका होता है क्लोरोफिल, ठीक है. यानी कि आपको किसी भी प्लांट का जो ग्रीन कलर है, या कह सकते हैं किसी भी लीफ का जो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है वो होता है सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से. यानी कि जो हमें पौधों में हरा रंग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देता है. इसका जो वर्क होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो होता है प्लांट को एनर्जी देने का, ठीक है. यानी कि प्लांट को एनर्जी किससे मिलती है? क्लोरोफिल से, ठीक है. यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं वो आपकी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, तब वो अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर. यानी कि शुगर के फॉर्म में वो अपना फूड बनाते हैं जिसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. देखिए इसमें क्या होता है, जब आप सॉइल में वाटर डालते हैं, यहाँ पर जब आप वाटरिंग करते हैं तो रूट्स के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. यानी कि प्लांट जो है रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. और जब सूर्य की यानी कि सनलाइट आपकी लीफ पर पड़ती है, इस प्लांट की लीफ पर पड़ती है, तो ये जो वाटर है यहाँ पहुँचता है लीफ तक, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड इन पोर्स के थ्रू यानी कि इन पोर्स के थ्रू लीफ प्लांट में अंदर जाती है. और तब यानी कि यहाँ से वाटर भी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई, और ये जो सनलाइट रेज है ये आपके प्लांट पर
ग्लूकोज यानी कि शुगर, और इस प्रोसेस में जो गैस निकलती है वो होती है ऑक्सीजन, जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में आपको पता है स्प्रेड है, और यही ऑक्सीजन गैस हम अपने रेस्पिरेशन में लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं यानी कि टेक इन यानी कि ब्रीथ इन करते हैं इन द, और वो भी तब तक जब तक सनलाइट होती है, ठीक है। और जैसे ही नाइट टाइम होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, प्लांट्स भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही ऑक्सीजन टेक इन करते हैं यानी कि ब्रीथ इन होती है, और जब है ना मॉर्निंग होती है सनलाइट जब इस पर सनलाइट रेस पड़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ये प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। और स्टोमेटा क्या होता है, जो लीफ के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स बने होते हैं ये आपका स्टोमेटा होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल वो होता है जिसकी वजह से किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट की लीफ या कोई भी प्लांट आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है, ये उसको एनर्जी देता है। आप यहाँ पे प्रोसेस भी देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि रॉ मटेरियल हो गया कच्चा सामान, ठीक है। और ये सनलाइट जब इस पर पड़ी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं यानी कि इन्होंने शुगर प्रोड्यूस की और ऑक्सीजन गैस रिलीज करी। इसके जो साइन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं, प्लस वाटर होता है हमारा H2O, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन्होंने शुगर बनाया यानी कि C6H12O6, और ये हो गया ऑक्सीजन O2। तो अब हम बात करते हैं हाउ डू एनिमल गेट देयर फूड। एनिमल आर आल्सो लिविंग थिंग्स, आर दोज लिविंग थिंग्स हु डज नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड, दे आर ऑल डिपेंड ऑन अदर एनिमल फ्लैश और प्लांट्स, ओके। अब बात करते हैं हाउ आर एनिमल्स ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि एनिमल किंगडम को उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो ऐसे हैं जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं आपके, हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, एग्जाम्पल काउ, डियर, गोट एक्सेट्रा। देखिए हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो जिनका खाना क्या होता है ओनली प्लांट्स, या इनको आप प्लांट ईटर्स भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, डियर, गोट। यानी कि काउ जो है वो क्या खाती है, घास खाती है या कोई भी प्लांट, है ना। डियर का भी सेम है कि वो प्लांट्स खाते हैं, गोट भी प्लांट्स खाते हैं, ये अदर एनिमल का फ्लैश ईट नहीं करते हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है। कार्निवोर आर एनिमल्स दैट ईट्स अदर एनिमल्स फ्लैश। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं या फ्लैश ईटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, ईगल एक्सेट्रा। जैसे लॉयन है, टाइगर है, ईगल है, ये सभी क्या है, ये मांसाहारी होते हैं जो मीट खाते हैं, है ना, ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, ये जितने भी जैसे लॉयन, टाइगर, ईगल हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ये सिर्फ दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, इनको फ्लैश ईटर्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स आर एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोर्स सर्वाहारी होते हैं यानी कि ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पिग, क्रो, कॉकरोच। अब आप क्रो को ही देख लीजिए, क्रो क्या है, ये अदर एनिमल का फ्लैश भी खाता है और रोटी भी खाता है ना। वैसे ही पिग ये रोटी सब्जी भी खा सकता है और ये अदर एनिमल का फ्लैश भी खाता है। सिमिलरली कॉकरोच इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों ने अपने किचन में ही देखा होगा, है ना, कॉकरोचेस हमारे किचन में जो
हेना, हेना जो बोलते हैं वो होते हैं लकड़ भग्गे, है ना। और जो वल्चर्स होते हैं ये गिद्ध होते हैं, ये दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं, कहाँ पर फ्लैश पड़ा हुआ है वो वही खाते हैं, ठीक है। ये मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं। अब बात करते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर एनिमल दैट ऑब्टेन देयर फूड बाय शकिंग न्यूट्रिएंट्स, देखिए, फ्रॉम अदर एनिमल्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो अदर एनिमल्स की बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको शक कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो आप लोगों के घरों में आपने देखा होगा, लाइक मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो आपको काटते हैं या आपके ब्लड पर डिपेंड करता है, यानी कि वो अपने आपके ब्लड पर